अरे हम आपसे मिलने आए, पीछे चलो पीछे, आप जहाँ कहो वहीं चले, पीछे आपके चैनल में बैठे चल के। उन्नाव गैंग रेप मामले में आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर योगी का शिकंजा कस चुका है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था और विधायक पर पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 366, 376 और 506 और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। विधायक पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर पीड़िता के चाचा ने कहा, हाँ हमें खुशी है कि कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, यदि पहले ही ये कार्रवाई हो जाती तो आज मेरे भाई जिंदा होते। राज्य सरकार साथ ही इस मामले की जांच सीबीआई को भी सौंपने को तैयार हो चुकी है। यूपी के प्रधान सचिव ने बताया था कि इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। उधर पीएम नरेंद्र मोदी भी राज्य की जमीनी हकीकत जानने के लिए विधायकों से फोन पर बात करेंगे। बता दें कि कुलदीप सेंगर कल रात को एसएसपी आवास पर सरेंडर करने को पहुंचे थे, लेकिन हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद बिना सरेंडर किए वहां से लौट गए। उन्नाव गैंग रेप मामले में विपक्षी दल भी राज्य की योगी सरकार पर हमलावर हो गई है। उधर पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी इस पूरे एपिसोड से नाखुश है। बीजेपी पिछली एसपी सरकार पर कानून व्यवस्था और महिलाओं पर अत्याचार की तोहमत लगाकर यूपी की सत्ता हासिल की थी, पर इस मामले में पार्टी की छवि खराब हो रही है। इस खबर को शेयर करना मत भूलिए, साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।